इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एमीटर, AMMETER, सही है। तो एम मीटर, तो एम्पियर से बना है ये, एम्पियर मीटर बेसिकली, ठीक है। तो ये सब डीसी के लिए हैं, हम एसी के लिए कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो है सेल, जो कि डीसी वोल्टेज हमें देता है, तो ये सब डीसी वाले हैं, ठीक। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर है, ये भी डीसी वाला है। तो गैल्वेनोमीटर ये एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे है। तो उन्होंने जो वीक करंट है उसको मेज़र करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर की जो करंट है, माइक्रो एम्पियर आता 10^-6 एम्पियर, ठीक है, और मिली एम्पियर 10^-3 एम्पियर। तो इस रेंज की करंट को मेज़र करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद वोल्ट मीटर, तो ये भी डीसी ही है यहाँ पर, और जो मेज़र कर रहा है 0 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट। तो स्केल अलग अलग हो सकता है, 3 to 50 वोल्ट तक की रेंज के भी आते हैं, 0 to 10 वोल्ट की रेंज के भी आते हैं, 0 to 2 वोल्ट की भी रेंज के आते हैं। तो यहाँ पर ये 0 to 300 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये सब जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने सर्किट में, वो सब डीसी वाले यूज़ करेंगे। तो उनको एसी के साथ हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। अगर हम एसी एसी डीसी इक्विपमेंट से अगर एसी मेज़र करेंगे तो वो गलत जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, ठीक। दूसरा, फिर आते हैं ओमीटर पे। तो अभी एमीटर से तो हमने करंट मेज़र कर लिया, गैल्वेनोमीटर से वीक करंट मेज़र कर लिया, और वोल्ट मीटर से हमने वोल्टेज मेज़र कर लिया, ठीक। उसके बाद आता है ओमीटर। ओमीटर से मेज़र करते हैं रेसिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर का कोई वायर है, या कुछ कोई हमारे पास डिवाइस है, जैसे सपोज करो बल्ब है, ठीक है, या कुछ और है, वो सब के लिए अगर हम उसका रेसिस्टेंस मेज़र करें तो उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ओमीटर से, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए है। तो बेसिकली ओमीटर जो वर्क करता है, इसमें एक यहाँ पर स्विच दिया है ऑन ऑफ का, तो इसका मतलब यहाँ पावर सप्लाई है, और ये एक मल्टीपल करने के लिए, सही है, ये एक रोटेटरी स्विच है। तो यहाँ से इसने 0 से 100 तक की रेंज दी है। तो अब 0 से 100 ओम तक का जरूर नहीं कि हो, किलो ओम का भी हो सकता है, मेगा ओम का भी हो सकता है। तो उसके लिए ये कैलिब्रेट करने के लिए एक ये स्विच है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, इसको एक जो फार्मूला है, जो आपका V इक्वल्स टू आई आर, सही है, या I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई आर। तो बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो जिस भी आपका रेसिस्टेंस मेज़र करना होता है उसको वोल्टेज देते हैं, फिर उसकी ये करंट मेज़र करता है, और डिवाइड करके ये यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे, इस फार्मूले को डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ है ये, ठीक, कैसे काम करता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, ये है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर ये सब कुछ मेज़र कर लेता है, ये वोल्टेज भी मेज़र कर लेगा, जो आपका वीक करंट है उसको भी मेज़र कर लेगा, है ना, हाई करंट है उसको भी मेज़र कर लेगा, एसी वोल्टेज है, एसी करंट है उसको भी मेज़र कर लेगा, ठीक, रेसिस्टेंस भी मेज़र कर लेगा, और जो कनेक्टिविटी है वो भी चेक कर लेते हैं इस मल्टीमीटर की हेल्प से। तो यहाँ पर ये ऑफ का है, ये वाला जो है रोटेटरी स्विच है, अगर ऑफ पे है, ठीक है, ठीक है, तब तो ये कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा। मेरे पास यही है, तो मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, कैसे कैसे मेज़र करते हैं वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, ठीक। तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो डैश लाइन दी हुई है, ये डीसी के लिए है, इसको देखो, ये डीसी के लिए है, ये जो इसमें और ये लाइन है, तो ये लाइन इस तरह की है ना, तो ये इंडिकेट करता है ये एसी के लिए है। तो इधर आओगे तो एसी की रेंज में आओगे। ये डायोड वगैरह के लिए कनेक्टिविटी चेक करने के काम आता है, डायोड को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये डीसी करंट के लिए है, ठीक है, ये डैश लाइन डैश डैश इस तरह की डीसी करंट के लिए है। ये ओमीटर है, ठीक, ये डीसी के लिए हो गया, और ये ओमीटर, ये ओम के लिए। तो 200 के दोगे तो 200 तक की रेंज का, ये 2 किलो ओम की रेंज का, ये 20 किलो ओम की रेंज का, 200 किलो ओम की रेंज का, 20 मेगा ओम और 200 मेगा ओम की रेंज का। तो जो रेजिस्टेंस अगर जिस भी रेंज का है उसमें इसको मेज़र करते हैं। तो रेंज से बाहर होता है फिर क्या करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका मैं यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है। ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं डेमोंस्ट्रेट नहीं कर सकता प्रैक्टिकली। तो अब आते हैं करंट मेजरमेंट पे। तो करंट मेजरिंग के लिए दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है हमारे पास एमीटर, एम्पियर मीटर,
ठीक। तो अमीटर का जो साइन है वो है इस तरह का, दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल प्लस से कनेक्ट करना होता है, एक माइनस के, पर इसको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, लोड के, क्योंकि लोड का ही रेजिस्टेंस हमें, लोड का ही करंट मेजर करना है, ठीक है। और ये जो है टू मेजर स्ट्रोंग करंट, ठीक है, ये STRONG स्ट्रोंग करंट। तो इन द ये संवाट जो रेंज है एम्पियर की रेंज में है, सही है, लेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एम्पियर की रेंज कहीं करेगा। तो एमीटर जो है बेसिकली एम्पियर की रेंज का करंट मेजर करता है। दूसरा है गैल्वेनोमीटर, उसका सिंबल है ये, इसमें जी बना देना है बस, ठीक है, और वोल्ट मीटर है तो उसमें वी बना देना है, तो ये सर्किल में उसको रखना है, तो ये मीटर का तरह है काम कर रहा है। टू मेजर वीक करंट, और यहाँ पर भी देखिए मीटर में ए लिखा हुआ है ना, और गैल्वेनोमीटर में जी लिखा हुआ है, पर जो रीडिंग आएगी करंट की वो यूनिट उसकी एम्पियर ही रहेगी, तो एम्पियर हो सकती है, मिली एम्पियर हो सकती है, माइक्रो एम्पियर हो सकती है, ठीक है। तो मेजर वीक करंट, ठीक है, तो रेंज है मिली एम्पियर से लेके, सही है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस रेंज का जो करंट है ये मेजर करता है, माइक्रो ये म्यू है, ठीक। उसके बाद आते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर सिर्फ एक है वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज है, इसको मेज़र करना है, तो उसके लिए हमें वोल्ट मीटर यूज़ करना है। तो वोल्ट मीटर का सिंबल है ये, सर्कल बनाना है, वी लिखना है बीच में बस, और प्लस माइनस इसको लगाते हैं एक्रॉस, लोड के एक्रॉस, जिसके एक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, चाहे आप इसको सोर्स के अकॉर्डिंग, सोर्स के एक्रॉस चेक करें, जैसे सेल है या बैटरी लगाई हुई है उसके एक्रॉस चेक करें, या लोड के एक्रॉस चेक करें, ठीक। उसके बाद आता है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर का ओम बना दो, ठीक है, साइन है ओम, तो ओम साइन है इस तरह का साइन होता है ओम, ठीक है, ओमेगा को, जो ओमेगा साइन है उसको ओम उससे इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, और ये लोड से कनेक्ट नहीं करता, जब इस पे मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो तब मेज़र नहीं करते हैं, ठीक है, सर्किट से बाहर है तब मेज़र करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। कोई हमारे पास कंडक्टर है, ठीक, उस या रेसिस्टेंस है, ठीक है, ओमीटर हमें कनेक्ट करना है, तो इसको सर्किट में नहीं रखना है, तो इसको सिंपली क्या करना है, बस दो टर्मिनल इसके सर्किट से बाहर होना चाहिए, और उसके बाद आप ओमीटर को इसके साथ कनेक्ट कर दोगे, और ये जो रीडिंग अपने आप बताएगा, ठीक है। तो जो इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो है सिंपल, ओ आर इक्वल्स टू, ठीक है, वी डिवाइड बाई आई। तो ये इसके अंदर कुछ वोल्टेज सोर्स होता है, ये दो टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करता है, फिर इसमें देखता है कितनी करंट जा रही है, और उसको वी बाई आई करके रेसिस्टेंस की वैल्यू बता देता है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है ओममीटर का। अब आते हैं, कोई सर्किट मैं बना रहा हूँ, एक ये सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक, यहाँ पर दो बल्ब लगाए हुए हैं मैंने, एक बल्ब यहाँ लगाया हुआ है, एक बल्ब यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे अगर करंट मेज़र करनी है, तो दोनों में करंट मेज़र करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मुझे यहाँ से मैं एक अमीटर लगा देता हूँ सीरीज में, ठीक है, वो हमेशा सीरीज में ही लगेगा लोड के, ठीक है। और अगर मुझे वोल्टेज चेक करनी है, तो वोल्टेज चेक करनी है तो एक वोल्ट मीटर मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तो लोड के जो सोर्स है उसके अक्रॉस लगा दिया। मुझे इस बल्ब में देखना है कितने इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, तो इसके अक्रॉस लगाना है वोल्ट मीटर,
ठीक है। तो हमेशा ये पैरेलल में लगता है, जिसके भी एक्रॉस आप मेज़र करना चाहते हो ठीक है, उसके हमेशा पैरेलल में लगेगा। और जो एमीटर है वो हमेशा लोड के सीरीज में लगेगा, जिधर भी करंट फ्लो हो रही है ठीक है। तो प्लस माइनस, अगर इसको उल्टा लगाओगे तो ये नेगेटिव में बताएगा ठीक है। तो प्लस माइनस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो प्लस वाला जो रेड वाला टर्मिनल है उसको प्लस का लेके चलते हैं, और जो ब्लैक वाला है उसको माइनस का ठीक। तो इस टर्मिनल का ध्यान रखना है, ऐसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज लेनी है तो एक वोल्ट मीटर आप यहाँ पर लगाओगे ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हो, एक वोल्ट मीटर से सारे मेज़र हो जाएंगे। आपको एक्रॉस लगाना है तो यहाँ पर कनेक्ट करोगे, इसकी रीडिंग ले लो, इसकी रीडिंग ले लो, और इसकी रीडिंग ले लो, एमीटर आपके कंटिन्यूसली रीडिंग बताता रहेगा ठीक है। तो इस तरह का है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाते हैं लोड के ठीक है, उसके एक्रॉस। एमीटर को हमेशा सीरीज में, तो यहाँ पर सीरीज में लगाया, एक इसका टर्मिनल है, इसका टर्मिनल है। अगर आप एमीटर निकाल दो तो ये सर्किट जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा ठीक है। फिर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ से इसको हटा दिया मीटर को, तो वह मीटर वाला हट गया। तो बस ये इस तरह का है ठीक है। तो अमीटर हट गया, तो अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट अगर फ्लो होती है तो अमीटर के थ्रू फ्लो होती है, जब अमीटर को कनेक्ट करते हो ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है ठीक। वोल्टेज आप कैसे भी मेज़र कर सकते हो, इसके अक्रॉस लगाना ही है बस, तभी मेज़र कर सकते हो। अगर आप इसको करंट को इसके अक्रॉस लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है, आपकी पीसीबी गिर जाएगी, जो एमसीबी है वो गिर जाएगी ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसको हमेशा सीरीज में लगाना है ठीक है ना। बस तो ठीक है, इसको मैं यहीं रोकता हूँ। इसमें अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करना, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ठीक है, उसके बाद वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक। तो ओमीटर को जो है कभी भी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं करते। अब सपोज़ करो इसका रेसिस्टेंस देखना, और ये सर्किट में लगा हुआ है, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है कोई भी ठीक है ना। तो तब इसको अगर आप मेज़र करोगे तो गलत रीडिंग देगा। तो हमेशा ये है कि आप इनको रिमूव कर दोगे ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आपको सारा रिमूव हो गया। तो अगर किसी बल्ब का आपको देखना है, चेक करना है, तो बल्ब को ही रखना है ठीक है। बल्ब लगाओगे ये इस तरह, इसके टर्मिनल, और यहाँ पर सीधा इससे कनेक्ट कर दोगे ओमीटर को, और ये अपने आप इसका रेजिस्टेंस बता देगा। क्योंकि जो ओमीटर है उसमें हमेशा सेल होती है ठीक है। तो सेल का मतलब है उसके अंदर अपना ही एक सेल्फ एनर्जी सोर्स होता है, और वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। वो पहले वोल्टेज देता है, जो भी जिसका भी जिसके जिसका भी रेजिस्टेंस मेज़र करना होता है उसको वोल्टेज देता है, कुछ वोल्टेज वोल्टेज पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस देगा उसके अक्रॉस, जो भी करंट फ्लो होगी उसको डिवाइड कर देगा, और वो आपका रेजिस्टेंस होगा ठीक। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं। तो अगर ये पसंद आया तो लाइक करो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फीडबैक दो कमेंट से ठीक है। चलिए, थैंक यू।